Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. हेलो व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप लोग सभी। वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो अभी हम मणिमहेश चले हुए हैं और अभी हम यहाँ पे ब्रह्माणी माता मंदिर में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे अगर आपने आगे यात्रा अपनी स्टार्ट करनी हो तो यहाँ पे पहले नहा के जाएं, क्योंकि नहाना ज़रूरी है यहाँ पे और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है भाई, तो इसलिए नहा के ज़रूर जाएँ। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे हरसर के पीछे पहुँच चुके हैं, हरसर से कोई 4-5 किलोमीटर पीछे जहाँ पे पुल टूटा हुआ था। तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे, तो यहाँ से रास्ते की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। तो कम से कम हमें 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ गया। यहाँ से आप रास्ते की हालत देख सकते हो कैसी हालत है। कहीं पर तो ज़मीन फटी हुई थी, ये आप आगे देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ज़मीन फटी हुई है। तो यहाँ पर तो देख के डर लग रहा था इस चीज़ को। और कहाँ कहीं पर तो ऐसा रास्ता कि साइड में खाई थी, ऐसा सा रास्ता था। तो ऐसे रास्ते से हम निकल के गए हैं, तो भाई 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा था इधर। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे पुल टूटा हुआ था और हम ये जो यहाँ से हम घूम के आए थे, तो इस रास्ते से आए थे हम। यहाँ से ये वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है जहाँ से उतराई है नीचे को उतरने को, जो आगे जाके आपको मिलेगी। तो यहाँ से सीधी उतराई थी नीचे को, तो
इस रास्ते में हम ज़्यादा थक गए थे, तो क्योंकि सीधी उतराई थी ना, और बहुत ध्यान से ये उतराई उतरनी पड़ रही थी हमें कि कहाँ पैर फिसल जाए, सीधा नीचे ब्रेक लगेगी फिर जाके। तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से चढ़ना पड़ रहा था। वो वहाँ पे हमने सड़क के पास नीचे पहुँचना है उधर। ये देखिए इधर ये पुल टूटा हुआ है, और यहाँ से हमें नीचे पहुँचने को कम से कम 1 घंटा लग गया, 1-1.5 घंटा लग गया हमें नीचे पहुँचने को, ऊपर से लेके नीचे तक। इतना ज़्यादा ख़तरनाक था। तो यहाँ से बहुत बहुत ध्यान से उतरना, हम तो बहुत ध्यान से उतरे थे भाई, और एक दो पैर तो पैर भी फिसला था मेरा, तो बच गए भाई। यहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट कर दी थी, तो इस गेट से आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से अगर आप चाहो तो अपने लिए डंडे भी, यहाँ से अगर आप चाहो तो डंडे भी ले सकते हो अपने लिए, जिससे कि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो आगे। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया था, और आपको टोटल मनी में हेश आपको पड़ जाता है कोई 16-17 किलोमीटर। और अगर आप यहाँ से कहीं से शॉर्टकट वगैरह भी अगर मारते हो ना, तो प्लीज़ ध्यान से शॉर्टकट मारा करो, क्योंकि साइड में खाई वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर शॉर्टकट मारना है तो बिल्कुल ध्यान से चढ़ना उस रास्ते से। और यहाँ पे अगर पुल पे निकलना है तो अगर ये कोई 4-5 बंदे हो तो भी निकलो, क्योंकि ऐसे इतना पुल के ऊपर वेट डालोगे तो कोई पता नहीं कब मर्जी ऐसे टूट जाएगा, क्योंकि फट्टे तो होते हैं ये लगे हुए। तो ज़्यादा बंदे अगर निकल रहे हैं तो उस टाइम पे मत निकलो। फ्रेंड्स, हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया था ना, जहाँ से गोरीकुंड आपका कोई 3-4 किलोमीटर होगा, तो हमने यहाँ से शॉर्टकट ले लिया था। पर आप यहाँ से शॉर्टकट गलती से भी मत लेना, क्योंकि हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया था ना तो बहुत बुरी तरह फंस गए थे। तो हम कैसे कैसे निकले वो बता नहीं सकता, मतलब जो पहाड़ थे वो सीधे थे एकदम, वहाँ पे हम ना ही वापस मुड़ सकते थे, और रात का टाइम था और ऊपर से धुंध पड़ रही थी। एक बंदे की तो हमारे जो साथ में था उसकी तो सांस भी रुकने वाली थी, तो चलो वो बच गया बंदा। ये आप सामने देख रहे हो ना ये वाला पहाड़, इस पहाड़ से हम चढ़े थे। ये इस पहाड़ से चढ़े फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम कोई ये कोई पहुँच गए थे हम 9-10 बजे के करीब यहाँ पे ऊपर पहुँच गए थे हम। यहाँ पे फिर दर्शन किए, नहाए धोए, फिर आगे दर्शन किए। और मुझे मणिमहेश की यहाँ की बात ही अच्छी, बहुत ज़्यादा बातें अच्छी लगी कि हर जगह लंगर लगा हुआ, जगह जगह पे आपको लंगर मिल रहा था, और रहने की बहुत अच्छी सुविधा थी, कोई ज़्यादा महंगा नहीं था। और अगर मैं यहाँ पे केदारनाथ की बात करूँ तो वहाँ पे भाई रहने का तो कोई बोल नहीं सकता, बहुत महंगा था उधर तो। अब एक टेंट भी उधर लेने चाहोगे तो 500 रुपये का टेंट उधर मिलता था, और खाने का बहुत ही ज़्यादा महंगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो और यहाँ पे खाने की कोई टेंशन नहीं, खाना जितना मर्जी आप खाओ जगह जगह पे आपको खाने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे बात यहाँ की। मैं अभी नहाने के लिए पहुंच चुका हूं, यहां पे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, और यहां पे अगर आप पहुंच जाओ तो नहाओ ज़रूर, बिना नहाए दर्शन मत करो, और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए नहाए ज़रूर इस ठंडे पानी से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे,
यहाँ पे हमने गलत रास्ता पकड़ लिया था और यहाँ से कोई हमने 25-30 ऐसे पहाड़ निकाले होंगे और मिट्टी और जो दलदल वाले उसमें से बाइक उठा उठा के निकाली थी। तो आप प्लीज़ ये रास्ता कभी मत पकड़े, जाना हो तो हमेशा दिनेरा से होके चले जाएँ, बड़ी खेत से होके, वो सबसे बढ़िया रोड है। दूसरा और कोई रूट ना पकड़े तेल के चक्कर में, हमने इसी चक्कर में और रूट पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा परेशान हुए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि और कोई ऐसे परेशान हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे ये भी बताओ कि आपको कैसी टाइप की वीडियोस चाहिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।